सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल स्कूल यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे हम आपका मैथ का एक्सरसाइज 3 का डी है, चैप्टर नंबर 3 है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी कुछ दिन के लिए वीडियो जो नहीं आई उसके लिए कुछ इशू चल रहा था, वो कुछ का किसी का भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो फाइनल देर न करते हुए आते हैं, चलिए आइए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भैया डिवाइड करना है, यानी इनको भाग देना है आपको आसानी से। और हैं कौन सी संख्या है आपकी, डेसिमल की। ठीक है, जब दशमलव की संख्या है तो उसमें आसानी से भाग देते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 131.6/10, 131.6 को भाग देना है 10 से। किससे देना है, 10 से। तो आइए थोड़ा सा यहीं पर मैनेजमेंट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं एरिया अपना। तो कितना है, 131.6 है। देखिए शुरू में ही कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि अगर कहीं भी इधर उधर दिक्कत हुआ, आपको थोड़ी सी वैल्यू लेने देने में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बाई टेन है, बाई टेन से करना है तो भाग आपको 10 से ही करना है ना, तो डिवाइडेड इंटू 10। अब यहाँ पर अभी दूसरे तरीके से भी इसको बता देंगे, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि इस तरीके से भाग क्यों दे रहे हैं। आप डायरेक्ट ऐसे करके दे दीजिए ना, ऐसे करते हो आप लोग, ये ऐसे पर भाग देते हो ना, तो वो भी कर देंगे 131.6 और यहाँ भाग में 10 लाते हो, तो ये भी तरीका बताएंगे, वो भी तरीका बताएंगे, दोनों। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जल्दबाजी, अच्छी तरीके से जल्दी करने के तरीका ये है कि जब भी हम देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन के दो केस हैं ऐसे, 10, 100, 1000, 10000, 20000 नहीं ले सकते, मतलब जितनी भी संख्याएं आती हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसी भी संख्याएं लेते हैं। हाँ तो रुक जाइए, थोड़ी सी फिर आ गई लाइट की प्रॉब्लम। चलिए देखिए, अभी अभी तुरंत ही कट गई थी। ठीक है, तो आ गई है फिर लाइट, फिर चलते हैं। देखिए हम क्या बता रहे थे, हाँ आपको बता रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंस क्या है। देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हुए जब भी हम किसी संख्या डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई किसी 10, 100, 1000, 1,000,000 में करते हैं तो हम जानते हैं कि जितने ही उसके पीछे जीरो रहती है उतना मल्टीप्लाई के केस में, केवल मल्टीप्लाई के बता रहे हैं, ये डिवीज़न है हाँ वो बात अलग है, ऐसा मत समझिएगा कि डिवीज़न बता रहे, डिवीज़न भी बता रहे हैं। ठीक है, वहां पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, सपोज एक बता देते हैं उदाहरण, जैसे देखिए यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए 20.01 है ना, तो मल्टीप्लाई हमको 10 करना है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी, किस तरफ, राइट साइड, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे 1+ शिफ्ट हो जा रहे, कहाँ शिफ्ट हो रहे, लेफ्ट की राइट, तो राइट साइड। ठीक है, ये दशमलव जैसे ही इसका मल्टीप्लाई आप करवाते हैं यहाँ पर ये चली जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये हो जाएगा आपका 200.1। क्लियर हुई बात, 10 से मल्टीप्लाई करवाने के केस में। यही अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो दीजिए 2001 हो जाता पूरा पूरा, एक बात समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो, देखिए 20.01 है, आपने कहा ठीक है मल्टीप्लाई करवाइए 100 से, अब 2.0 शिफ्ट होगा किधर, राइट साइड, मल्टीप्लाई के केस में है और मल्टीप्लाई का साइन भी है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, अभी डिवीजन बता रहे हैं आपको। तो ये 2.0 काटा और ये 0.0 आपका राइट साइड शिफ्ट हो गया, मतलब दाहिने तरफ, राइट साइड नहीं समझ में आ रहा तो दाहिने तरफ याद रखें, अपना दाहिना हाथ रखे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो टोटल मिला के आपका कितना आ जा गया 2001। फाइनल यही आपका आंसर होगा इसमें मल्टीप्लाई के केस में। और डिवीजन के केस में बस वही बताना चाहता था कि डिवीजन के केस में हमेशा लेफ्ट साइड चलती है, हमेशा लेफ्ट साइड संख्याएं शिफ्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू जीरो, कितने उसमें जीरो है। ठीक है, अब जैसे 100 है तो 20, 10 है तो 10 और 1000 है तो 3, 10,000 तो 4,05, 10,06, इस तरीके से थोड़ा सा इरेज करें फिर बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्ट होती रहती है, तो मल्टीप्लाई का तो इसमें कोई नहीं है तो बता दे रहे थे, ताकि अगर मल्टीप्लाई का पूरा जाना है तो अपना पिछला वाला जो डेसिमल का चैप्टर हम पढ़ाए हैं ना उसमें जाकर आप अच्छे से देखिएगा उसको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए
ठीक है। डिवीजन के केस में क्या होता है भैया, अब देखिए हमने बताया कि मल्टीप्लाई में राइट जाता है, डिवीजन में बस वही क्रिया है लेफ्ट में जाएगा। तो जैसे ही इसका डिवाइड 10 से करवाते हैं तो एक जीरो कट के ये दशमलव आपका लेफ्ट साइड, अब यहाँ पर 10 था तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13.16, क्योंकि अभी तक तो दशमलव यहाँ पर था और एक एक प्लेस शिफ्ट हो गया किधर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब आपके बाएं तरफ, लेफ्ट साइड का मतलब समझते हैं। अब इधर से बताएंगे तो इधर दाहिने हो जाएगा, तो थोड़ा सा इधर से समझिए ये बाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ आपका शिफ्ट होगा, तो ये इस तरफ चला आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा 13.16 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, कुछ बच्चों को संतुष्टि अभी भी प्राप्त नहीं हुई, ऐसे जबरदस्ती शिफ्ट कर दे रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो जाएगा, ताकि दिखाते हैं ना कैसे हो जाएगा। देखिए आप भाग दीजिए, कहेंगे हाँ चलिए हम भाग दे रहे हैं, 10 का 100 बार ले जाएंगे, क्योंकि और बार ले जाते हैं तो और बार चला जाएगा। तो हाँ आपने कहा कि अच्छा सर ले जाइए, पहले एक बार आप आसानी से ले जाइए, 10 का 100 बार ले जाइए। अच्छा 10 का ज़्यादा बार जाएगा भी, तो 10 का 1 बार ले जाते हैं ना, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो, 10 का केवल 1 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि एक संख्या है अगर चली जा रही तो भाग दे देते हैं, नहीं तो 2 संख्याओं से लेते हैं, 2 संख्याओं में चली जा रही, तो 10 का 10 हो गया आपके पास, ये बचा और यहाँ पर बचा 3 और 1। अभी दशमलव के उस तरफ जाएंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई 10 तिहाई 30, आपने कहा ठीक है इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, ये बचा मेरे पास, रुक जाओ 131.6 है ना, तो 10 टाइम ना ले जाके अगर 1 टाइम ले गए हम इसको, तो 10 आ गया और बचा मेरे पास 3, और यहाँ पर क्या बच गया 1 बचा, तो फिर चला जाएगा 10 तिहाई 30, अब तो 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे यहाँ पर, दशमलव लग गया, ये 6 उतर चला आएगा, ठीक है उतर के चला आया, अब कितनी बार 1 बार ले जाएंगे, तो 1 आ गया, 10 1 का 10, उसके बाद क्या बचा 6, 0 लगाएंगे, 10 6 60, फिर वही आएगी दशमलव आपका, इतना ही आएगा 13.16, या फिर यहीं पर लिख दे 13.16, फिर भी आपका प्राप्त होगा, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे, लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि अगर आप बड़े हो चुके हैं, कक्षा 1 में नहीं रहे, कक्षा 7 में आ चुके हैं, या फिर आप कंपटीशन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी भी देखते हैं, तो उनके लिए भी है कि अब इस तरीके से आप जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न का केस आप यहाँ पर मत लाइए, नहीं तो आपको बहुत सारा समय गंवाना पड़ेगा, इस तरीके से डेसिमल को ही शिफ्ट कर दिया करें, 10 के केस में 100 के केस में, ऐसे संख्याओं के केस में डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया पहले का आपका 13.16, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे को, यहां तक दिखाई दे रहा था या नहीं इसका भी हम कंफर्मेशन करके आ रहे हैं, ठीक है रुक जाइए, हो सकता है ना दिखाई दी हो, हाँ तो फाइनल दिखाई दिया होगा, ठीक है हाँ ठीक है ठीक, पूरा का पूरा दिखाई दिया होगा भैया आपको, तो इसको इरेज करते हैं और इसी जगह कोई दूसरी संख्या बताते हैं, ठीक है अभी ले चलेंगे, देखिए इसमें जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट करना भी करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सब करवा देंगे, ठीक है। तो फाइनल 32.56/10 ये है ना, 32.56 और डिवाइड करना है किससे, 10 से, तो वही सिस्टम है, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया आपका 3.256, ठीक है अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसका सेकंड का आंसर है, लिख लीजिए इसको कैसे किया, 10 काटा 10 का और यहाँ पर जो डेसिमल था वो लेफ्ट साइड 1 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, क्योंकि 10 है तो 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे, ठीक है बात खत्म हो गई, आंसर आ गया उसका। चलिए अब आते हैं थर्ड पर, ठीक है थर्ड क्या कह रहा है, 4.38/10, अब बाई 10 करेंगे तो भैया जानते हैं अगर इसको काटेंगे तो ये 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.438। और इसको देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बुक ऐसा ही लिखे, कभी कभी इसको अच्छे रूप में लिखने के लिए ऐसे लगा देता है 0.438, ठीक है तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर तो एग्जैक्ट है ही, लेकिन लिखने के तरीके में 0.0 ऐसा लिख दिया जाएगा कि वो क्या कहते हैं ना, एक सजावटी होता है, तो उस तरीके से ये अच्छा लगता है बस देखने में, 0.438 है, ठीक है और कुछ नहीं है।
बाकी यहाँ पर भी दशमलव के बाद 438 है, यहाँ पर भी वो 438 है। ठीक है, तो खत्म हुई कहानी आपकी। चलिए, अच्छा इसका हो गया था, हाँ इसका हो गया है। अब इसका चलते हैं आपका लेकर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड तो हो चुका ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होंगे, देखिए कैसे। दशमलव 3 4 pi 10। अब आपको लगेगा अच्छा सर, अभी तो आप बता रहे थे कि दशमलव शिफ्ट होगा, दशमलव शिफ्ट होगा, यहाँ दशमलव कहाँ शिफ्ट करें, ये तो लास्ट में ही दशमलव है। हाँ तो देखिए ना, शिफ्ट तो हो रहा है ना, बता रहे हैं। भाग के रूप में इसको लिख दीजिए, 3 4 / 10। अब यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, तो ये जो दशमलव है ये एक साइड तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.034। इसको सजावटी के रूप में लिखने के लिए इसके आगे भी एक जीरो लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो 0.034 आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। बुके प्रीफर अधिकतर ये करती हैं कि सजावटी के लिए 0.034 लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। चलिए अब आते हैं फाइव में। अच्छा इसमें क्या है भैया, 0.08 बाई की जगह हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं, भाग, क्योंकि बाई मतलब भाग ही हो जाएगा, भाग 10 है भैया। अब देखते हैं फिर, जैसे ही एक कटा और ये इधर शिफ्ट, तो आ जाएगा आपका 0.008, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.008। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक तो आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव। अब चलते हैं सिक्स। ठीक है, तो आइए सिक्स में चलते हैं, देखते हैं सिक्स वाले में क्या है। हाँ सिक्स में है आपका 0.0602/10। वही सिस्टम है भाई, एक इधर से जीरो काटेंगे, दशमलव वन साइड लेफ्ट साइड आपका प्लेस, दशमलव जो है वन प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ये 0.0062, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 0.0062। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो पूरा समाप्त हुआ, अब चलेंगे सेकेंड पे। तो इसके लिए हम पूरा इरेज कर देते हैं, ताकि इसके लिए हमें इतना जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए ठीक, अब आते हैं हम इधर पर, टू पर आते हैं आपके लिए। यहां पर लिखा है फर्स्ट में आपका 137.2, और डिवाइड किससे करने के लिए कह रहा है, 100 से। अब बात वही आ गई कि अभी तक आप बता रहे थे कि सर 10 था, अब 100 है, तो 2 शिफ्ट होगा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा इधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ, तो 2 प्लेसेस हो जाएगा, प्लेस यानी 2 स्थान आपका लेफ्ट साइड यानी अपने बाएं तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी तक 2 स्थान की जगह एक स्थान था, 10 था। तो अब देखो 2 0 काटेंगे इधर से, तो ये 2 प्लेसेस आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1.372, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पहला हो गया। सेकंड आते हैं, क्या है, 23.4 है, डिवाइड किससे करवाना है, फिर 100 से ही। अब इसको काटेंगे, 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा 2 3 4 दशमलव आगे, और इसको सजावटी के रूप में क्या लिख सकते हैं, 0.2 3 4। ठीक है, यही आंसर हो गया। अच्छा अब आते हैं थर्ड में, थर्ड का क्या है भैया, देखते हैं। 4.7 / 100 आपका 100 है, तो यहाँ पर देखते हैं, जब दो यहाँ पर दशमलव जीरो काटेंगे, तो ये आपका दशमलव क्या होगा, 2 लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, 2 प्लेसेस, तो फाइनल है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो आप क्या काम करेंगे, 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, बीच में जीरो लगा देंगे, हो जाएगा आपका
0.047, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 0.047। ठीक है, क्लियर बात हुई। अब ऐसे भी समझा दे सकते हैं आपको डायरेक्टली कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 4.7 है, और इसको जब भी काटेंगे हम दो दस दो जीरो काटेंगे तो ये आपका जो डेसिमल प्लेसेस है वो टू लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब टू लेफ्ट साइड हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो लगाना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि तभी ये टू हो पाएगा, नहीं तो अभी तो वन तक रहेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं अब फोर्थ में। फोर्थ क्या है, 0.3 है बाई 100। फिर वही सिस्टम है, टू प्लेसेस इधर आ जाएगा, वन प्लेसेस ये, वन प्लेसेस ये, तो ये आ जाएगा आपका 0.03। और यहाँ पर दशमलव, इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 0.003। ठीक, कहानी समझ में आ रही होगी। फाइव में चलते हैं। फाइव आपका क्या कह रहा है, 0.058। ठीक है, बाई 100 टू प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, चलिए टू प्लेसेस, तो 0.0058 आपका आंसर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.0058। ठीक, तो किसी भी तरीके से करिए, बस आसानी से करते जाइए और मजे लेते जाइए इसका। और उसमें कुछ नहीं है भैया, बस डेसिमल जितने भी जीरो रहे उतने प्लेसेस शिफ्ट कर दीजिए आप लेफ्ट साइड की तरफ, डिवीजन में सब मल्टीप्लीकेशन में तो जानते हैं ना राइट साइड जाता है। चलिए, और बचा है इसमें 6, एक और, तो फाइनल करें इसको भी। चलिए, इसका भी युद्ध समाप्त करते हैं। क्या है, 0.02, 0 पॉइंट डिवाइड है 100 से ही, तो टू प्लेसेस इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको बस, तो एक जीरो और लगा देंगे दशमलव यहाँ पर, 0.002। और इसको और दूसरे तरीके से लिखने के लिए 0.00020 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में अब आ गई होगी कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और इसका रीजन क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली हम जान रहे हैं कि जितने जीरो रहेंगे उतने काटेंगे, और उतने डेसिमल को क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। बात समाप्त है। अब ये आपका दूसरा भी हो गया समाप्त, तो चलें इसको भी रेस कर देते हैं। हाँ, हमारे पास इतनी जगह मिल चुकी है। ठीक है, अब आते हैं आपके थर्ड में। अब फिर वही है, देखते हैं क्या है। पहला है आपके पास 1286.5, और इसको डिवाइड करना है आप 1000 से, तो तीन जीरो काट देंगे भैया और तीन प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, तो आपका तीन प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो ये मेरा 1.2865, और यही आपका आंसर। ठीक है, आप सेकेंड में चलते हैं। क्या कह रहा है, 354.16 है, डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि 1000 से ही कहा है, तो तीन जीरो काट देंगे और तीन प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे देन यहाँ, यह आ जाएगा मेरा 354.16। और यहाँ पर दशमलव, और इसको सजावटी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 0.3546, देन फाइनल आंसर। अच्छा, थर्ड अब बचा है। थर्ड क्या है, 38.9 है बाई वही 1000 है, तीन जीरो काटेंगे और तीन प्लेस ले जाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, बात खत्म हो गई, 0.0389। और इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए 0.0389 आंसर। ठीक, बात समाप्त हुई कि नहीं, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीन जीरो थे तो यहाँ से दशमलव उठाया और तीन जीरो के बाद पटक दिया। अगर यहाँ पर तीन जीरो नहीं है तो जीरो जीरो बढ़ाकर जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इसलिए लिखा गया इसके आगे जीरो, क्योंकि अच्छा लगता है, बस इसी तौर पर है, बाकी आंसर ये भी है, कंफ्यूज ना होइएगा, बुके अक्सर इसको प्रीफर करती हैं इसलिए ये अच्छा भी लगता है। ठीक है, और क्या है, फोर्थ, फोर्थ है ना, हाँ, तो इसमें क्या है, 4.6 और डिवाइडेड बाई 1000, तीन जीरो कटिंग और इधर से बढ़ जाएगा तीन जीरो इधर, तो दो जीरो इधर लगा देते हैं तो तीन संख्या वैसे भी हो जाएंगे, तो 0.0046। इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए 0.0046
ठीक है, देन फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज आप मत होइएगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब तीन ही संख्या इधर शिफ्ट करनी है, तो जैसे काटेंगे वैसे हो जाएगा। और कुछ बचा है? अच्छा, इसमें 5 और 6 बचा है। चलिए इसको भी कंप्लीट करवाते हैं। अब तो देखिए, सबसे पहले आपको मौका दिया जाता है कि पांचवा आप करिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले वरीयता दी जाती है इसकी। तो इसमें देखिए, हमारे साथी अगर जितने देख रहे हैं वो सबसे पहले करेंगे। और देखिए, हिचकिचाइएगा नहीं, अरे यार मैं कमेंट कर दूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया। देखिए, उससे जहाँ से होगा मैं ही मोटिवेट हूँगा। अगर भाई स्टूडेंट हैं आप और देख रहे हैं तो आपको कमेंट करना भैया नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हाँ ऑफलाइन देख रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं, बिंदास देखिए। ठीक है, डाउनलोडर हैं तो बिंदास देखिए, उसमें कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर भाई आप देख रहे हैं डायरेक्ट तो थोड़ा सा तो बनता है, लाइक वाइक कर दीजिएगा भैया। 0.8 है, डिवाइड कर रहे हैं। और अच्छा, एक बात और है, ज़बरदस्ती लाइक मत करिएगा, समझ में आए तभी करिएगा, ये नहीं ज़बरदस्ती कर दिए, कह दिए तो कर दिए, वैसे करेंगे भी नहीं ज़बरदस्ती, आप मुझे पता है। ठीक है, तो समझ में आए तब करिएगा। ठीक है, आइए। तो 3-0 भैया काट दे रहे हैं, और ये दशमलव मेरा 3-0 के बाद लग जाएगा, मतलब तीन संख्याएं लेफ्ट साइड चली जाएंगी आपके, तो फाइनल हो जाएगा, ये 0 आ जाएंगे आपके पास। तो 0.0008, और इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए 0.008। क्या इतना आपका आंसर आया है तो आप केबीसी के करोड़पति हैं। ठीक है, लेकिन आपका इतना आंसर आया नहीं, मेरा भी नहीं आया, मेरा गलत है। आइए देखते हैं क्या आएगा आंसर। आपका आंसर ये तो एग्जैक्ट है ना, पहला वाला एग्जैक्ट है, तो 0.0008 ये आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि भैया आप जानते हैं तीन डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है ना, तो तीन यहाँ तक था ही पहले, तो तीन इधर हुई, तो यहाँ पर 3-0 आएंगे बीच में ना। ठीक है, तो बात खत्म हुई। अब आते हैं इसको 2/1000। अच्छा, जिसका इतना आंसर आया है वो अगर अभी तक टाइप नहीं कर पाया तो लास्ट में यस टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर वाई टाइप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल इसमें देखते हैं, 3-0 काटते हैं। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे कुछ दशमलव वशमलव कहीं है ये नहीं है सर, तो दशमलव जब जैसे 2 न रहे ना, तो 2 को भी ले लेते हैं, तो 2 के बाद दशमलव लगाते हैं, तो 2 के बाद हम तीन संख्या थे, यानी यहाँ पर 0.02 आ जाए, तो आपका 0.002, और इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए 0.002, देन फाइनल आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है, संख्याएं कैसे बदल रही हैं। अगर एग्जैक्ट इसी तरीके से कोई संख्या मान लीजिए 5 लिखी, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड कर दिया गया है 1000 से, सेम इसी तरह, तो कुछ नहीं करी। देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिएगा 5.0 है, क्योंकि इधर के 0 का मान तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 10 बोलो रहेगा, तो तीन संख्या है लेफ्ट साइड, मतलब तीन प्लेसेस शिफ्ट करनी रहेगी, तो 0.0 बढ़ा देंगे, तो ये 3 ऑलरेडी हो जा रहे, तो 10.005। अगर हाँ आप कहेंगे यहीं पर 4 है तो कुछ मत करिएगा, इसको 1 दशमलव और शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर कहेंगे 6 है तो कुछ मत करिएगा, 1 दशमलव इधर ले, काम करता इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, बात ये खत समाप्त हो गई है। और रही बात इसका आंसर, ये है 3rd भी आपका समाप्त हो गया है। और अगर अभी तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं वरीयता सबसे पहले आपको दूंगा, तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप लापरवाही के साथ करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिवाइड करने के लिए क्या दिया है। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम क्या कर रहे हैं भैया, 12 को डिवाइड करना है 8 से। तो अब आपका दिमाग अच्छे से चल रहा होगा और आप कहेंगे अच्छा अच्छा अभी तक तो 0 था, खूब पढ़ा लिए हमको कि डेसिमल के बाद उधर शिफ्ट होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन अब तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या रहेगा। तो 12 में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 8 का। ठीक है, तो 8 का जैसे ही भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा, देखिए भाग जैसे देते हैं वैसे दे दीजिएगा आप आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 8 का एक बार जाएगा, 8 × 2 = 16 ज़्यादा चला जाएगा, तो 8 × 1 = 8 आ जाएगा आपका, और उसके बाद क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 45। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया 1.5, पहले का आंसर हो गया।
अब देखिए कैसे कि कैसे किए हैं इसको देख लीजिएगा। 8 * 1 = 8 किया तो 1 यहाँ पर किया, या 8 * 1 = 8 करोगे तो 4 बचेगा, उसके बाद 4 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 * 5 = 40 आएगा, बात समाप्त हो गई। अब सेकेंड में आते हैं ये वाला। सेकेंड क्या है मेरा, 63 डिवाइड करना है किसने, 15 से, ठीक है, तो 15 कर देते हैं यहाँ पर, सेकेंड लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 का कितनी बार हम गुणा करें ताकि ये मेरा 60 के आसपास आए, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 15 * 2 = 30, 15 * 3 = 45, 15 * 4 = 60, या 4 * 15 = 60, तो 4 टाइम ले गए, 60 हो गया मेरे पास, बचा 3, इसमें तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 * 2 = 30, तो 4.2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 15 * 4 = 60 और बचा 3, 0.,, यहाँ पर अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 * 2 = 30, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड क्या है, 47/20, 47 में भाग करना है हमको 20 का, ठीक है, तो वैसे भी चला जाएगा 20 * 2 = 40, बचा मेरे पास 7, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 * 3 = 60 हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 और 0, अब क्या है, दशमलव लग गया, 1 0 ले सकते हैं, उसके बाद अगर संख्या लेंगे और, तो आपका क्या लग जाएगा भैया, क्या कहते हैं उसे, 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो एक संख्या में काम चल रहा है क्योंकि 0 तो इसी का है, एक इसी का है, 1 0 लगाते थे, तो 20 * 5 = 100, तो 2.35 यही इसका आंसर हो गया। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ आपका क्या है, 101/25, 101/25, तो 25 से करवा देते हैं इसको, ठीक है, 25 * 4 = 100 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब बचेगा क्या, 1 बचेगा केवल, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब तो 1 दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लिया है, अब तो नहीं जा रहा है आपका, तो फाइनल अब भी एक क्या काम करेंगे, 0 यहाँ पर भी लगा देंगे और यहाँ पर भी 1 0, तो 25 * 4 = फिर 100 हो जाएगा आपके पास, और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4.04, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4.04, फिर आपका यही आंसर हो जाएगा, तो फाइनल है। अब क्या करते हैं इसमें, ये हो गया, उसके बाद चलते हैं 5 में, ठीक है, 5 क्या है, अच्छा हाँ, इसको कैसे कर रहे हैं ये जान लीजिए, एक बार हम ले जा रहे हैं 25, देखिए 101 है तो 25 * 4 = 100 आसपास ले गए, 25 * 4 = 100 हो गया, बचा 1 हमारे पास, तो 1 ले आए यहाँ पर, और उसके बाद ये 00 कैसे आ गया, क्योंकि 1 तो लाएँ, उसके बाद 10 लगाए, 0 बढ़ा, फिर नहीं जा रहा था, फिर 0 बढ़ाए, तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ा, अब उसके बाद आपका 25 * 4 = 100 फिर फाइनल आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं 5 में, 31 का करना है हमको भैया, डिवाइड 40 में, जब बाइक आ रहा है तो इसमें से 40 में हमको भाग करना रहता है, तो देखिए कुछ नहीं करते, अब तो जाएगा नहीं तो 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, तो हम क्या काम करते हैं, अच्छा रुक जाओ, हाँ ठीक है, 31 था क्या, ओके सही है, तो 4 * 7 = 28, मतलब 280 के आसपास ले जा सकते हैं, और 4 * 8 = 32, 320 हो जाएगा, तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 4 * 7 = 28, आपको लग रहा होगा कि कैसे 4 * 7 = 28 कर रहे हैं, तो भैया 40 में मल्टीप्लाई 7 का कर लीजिए, 4 * 7 = 28 हो जाएगा, 0 की जगह 280 आ गया, अगर आप इसको 8 बार ले जा रहे हैं तो 8 * 4 = 32 हो जाएगा, 1 0 तो 320, 320 से ज़्यादा हो जाएगा, तो बात ख़त्म है, 310 के नीचे ही लाना है, तो इसीलिए हम 7 टाइम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 * 7 = 28 हो जाएगा मेरा, 280 बचेगा, 0 यहाँ पर, और 11 में से 8 जाएगा तो मेरा बचेगा 3, और इधर तो बात ख़त्म हो गई, 1 0 ले सकते हैं, और फिर कितना आ जाएगा, 4 * 7 = 28 चला ही आएगा आपका, 280, फिर यहाँ पर 0 का 0, और यहाँ 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आप कितनी बार ले गए थे भाई, 4 * 7 = 28, फिर 4 * 7 = 28, ओके 7 7 आ गया, और यहाँ पर 2, अब 1 देखिए 0 बढ़ाएंगे, अगर नहीं बढ़ेगा तो वहाँ पर बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 4 * 5 = 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.775 या फिर 775 आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया कैसे कर रहे हैं,
40 का भाग देना है, तो देखिए यहाँ पर 31 केवल था तो दसमलव लगाया, 0 बढ़ाया, उसके बाद 4 7 28 चला गया, तो यहाँ पर 0 का 0 हो गया मेरे पास, और 11 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 3 11 3 बचेगा, और इधर 1 दे दिया तो ये 0 थी, मेरा कट हो गया। फाइनल मेरे पास बच गया क्या, 3 और 0। तो यहाँ पर तो दसमलव लगा चुके थे इसलिए एक संख्या और ले सकते हैं, और अधिक ले, और अगर जैसे एक संख्या के बाद अगली संख्या लेंगे तो 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक संख्या ले ले, हो गया मेरा काम, तो फिर 4 7 28 हो गया, तो 280 आ गया। फिर यहाँ पर क्या काम करते हैं, देखते हैं कि 0 का 0 हो गया, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, इधर कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 20, एक 0 लेंगे तो 4 5 6 20 दसमलव, या तो 0.775 आ जाएगा, 775 यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्या है, अब इसमें चलते हैं, ये तो हो गया, इसके 6 में चलते हैं, 5 तो हो गया ना, 6 क्या कह रहा भैया, 11/16 मतलब 16 से भाग देना है आपको 11 में, ठीक है। तो दसमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 16 5 80 16 6 96, तो देखते हैं 16 7 ज़्यादा चला जाएगा मेरा, 16 का भाग दीजिए 6 6 36 के 6 6 1 6 3 9 16 6 96 यही आसपास आ जा रहा है, और ज़्यादा जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। तो 96 लिखते हैं आपका, इधर 10 में से 4 गया 6 आ गया, इधर 10 में से 1 आ गया, ठीक है। तो अब तो जाएगा नहीं, कितनी बार ले गए, 6 टाइम ले गए, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम, तो 0 बढ़ जाएगा। तो और अब कितनी बार ले जा सकते हैं, 16 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
12 128 और बार ले जाएंगे तो 16 डबल 144 ज़्यादा चला जाएगा, तो 128 टाइम ले जा सकते हो। कितनी बार ले गए? 8 टाइम, तो 8 टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात कंठस्थ रखिएगा कैसे आ रहा है। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, देखिए हम बता रहे हैं, इसको कट करते हैं। पूछिए कैसे मिस्टेक हो गई, आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 11 है, अब आप कहेंगे सर 11 है तो आप डायरेक्टली 16 से भाग दे रहे हैं, तो दशमलव लगाइए ना, तभी तो जीरो पढ़ाएंगे। हाँ तो दशमलव लगा देते हैं पहले भैया। इतनी बार 6 टाइम ले गए तो 6 टाइम पहले हो जाएगा, फिर कितनी भी टाइम ले गए, 8 टाइम ले गए तो हाँ 6 8 हो जाएगा। अब कितनी टाइम ले जाने वाले हैं हम, हाँ अभी 8 टाइम ले जाने वाले हैं ना, तो 28 करते हैं पहले। फिर बचेगा यहाँ पर हमारे पास 2, और यहाँ पर बचेगा 1, और अब तो जाएगा नहीं क्योंकि ये दे दिया 3, 3 में से 2 गया, एक बात खत्म हो गई। हाँ तो अब 1 0 ले सकते हैं, फिर आ जाएंगे हम 16 7, देखते हैं 16 6 96, 16 7 112 जाना है, 6 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 7 1 7 4 11, तो 112 आएगा, कंठस्थ बात है। अब इतना आ गया आपके पास, तो कितना यहाँ पर बच गया, 8 बचा और ये ख़त्म। तो हाँ ठीक है, 10 और ले सकते हैं, यहाँ पर 7 आ गया, 10 और लेके 16 5 80, 5 टाइम जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा आपके पास 0.6875। और इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए हमने बताया था आपको, लिख सकते हैं 0.6875। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये फोर्थ भी आपका एंड हुआ। 5 में चलते हैं, 5 थोड़ा लंबा है, उसके बाद 6 है। ठीक है, तो आइए फाइव का चल रहे हैं, ताकि पता चलता रहे किसका है। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 43.2। ठीक है, तो 43.2 में डिवाइड किसका करना है भैया, 6 का, 6 से डिवाइड करवा देते हैं। बात तो समझ में आ रही है ना, कौन सी किससे करवा रहे हैं, कितनी बार ले जा सकते हैं, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42 बचेगा 1। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर दशमलव है तो दशमलव को हटाते हैं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, एक अंक ले लिए दशमलव के बाद, हाँ तो अब चला जाएगा ना, तो 6 2 12। लेकिन आप कहेंगे सर आ तो नहीं रहा है मेरा, आ जाएगा ना,
आराम से आएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो ये क्लियर हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7.2। ठीक है, हाँ मेथड एक है चेक करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए चेक करने का तरीका है, कोई भी जो हमारा क्या कहते हैं भागफल जो आया है, क्वाटिएंट जो आया है, वो हम डिवाइडर से अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारा भाजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी डिवाइडेंट हम प्राप्त हो जाता है। 7.2 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो देखेंगे 43.2 ही प्राप्त होगा हमें, 6 दूनी 12 ये हो गया, 6 सत्ते 42 और 1 43 और 1 दशमलव के बाद एक संख्या पहले 1 दशमलव। ठीक है, तो ये आपका 43.2 आ गया। तो चेक करने का तरीका ये था, फिलहाल के लिए आपका आंसर एग्जैक्ट है, पहला हो गया। अब इसका दूसरा है 60.48 और डिवाइड करना है हमको 12 से, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 12 से भाग देना है, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 पंचे 60। अब देखते हैं हम, ये पूरा का पूरा कट गया तो कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन अब ये तो दशमलव है तो दशमलव लगाते हैं, एक संख्या लेते हैं आपका 4, अब भी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाकर एक संख्या और ले लेते हैं, 0 बढ़ाएंगे एक संख्या एक और ले लें, तो 12 दूना 24 12 3 36 12 चौक 48, तो 5.04 आपका आंसर आएगा। अब कुछ लड़के जल्दबाजी में पढ़ के जैसे ही दशमलव लगाएंगे कहेंगे 5.4 आएगा, अब 5.4 से करेंगे तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत आ जाएगा, तो फिर वही है सिस्टम, रोना शुरू कर देंगे कि नहीं आ रहा है, कैसे नहीं। अच्छा, इसको काटने का तरीका बता दे हैं, देखिए एक बार ले जाइएगा तो पूरा का पूरा कट गया, ठीक है 12 पंचे 60 हो गया, दशमलव अब तो कुछ संख्या है ना, दशमलव है तो दशमलव ले लेंगे, एक संख्या और उतार लेंगे, अब भी नहीं जा रहा है, दशमलव के बाद जब न संख्या जाए तो एक और संख्या लेंगे या फिर 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी हम 0 बढ़ाते हैं, बात खत्म हो गई, और 12 चौक 48 ये हो गया, पूरा का पूरा मामला फिनिश हो गया। ठीक है, इन दोनों का आंसर आ गया आपके पास, यही आंसर है सेकेंड का भी। 5 के थर्ड में चलते हैं, 117.6 है, 117.6 और डिवाइड करना है हमें 21 से। ठीक है, तो 117 ही ना, हाँ कितनी बार ले जाए कि हमारा ये हो जाए, तो 20 पंचे 100 5 बार ले जा सकते हैं, एक ज़्यादा बार अगर ज़्यादा टाइम ले जा रहे हैं तो हमारा गलत हो सकता है, देखो कौन सा चल रहा है, हाँ यही तो चल रहा है ना, 117.6 है, तो देखो भैया 117 का अगर मल्टीप्लाई हम 117 का नहीं सॉरी 21 का मल्टीप्लाई अगर 5 टाइम ले जा रहे हैं तो 5 1 5 5 2 10 105 तो वैसे ही आ जा रहा है, हमारे पास 117 ही है, अगर 21 और जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ले जाते हैं 5 टाइम, कितना आ जाएगा मेरे पास 105, तो यहाँ से मुझे मेरा बच गया 2, यहाँ से बच गया 1, बचा 12, अब तो जा नहीं रहा है डिवाइड, तब क्या करेंगे, तो दशमलव लगाते हैं और एक संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 126 में कुछ जा रहा है, तो 21 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, 6 1 6 6 2 12 126 मेरा आ गया, तो फाइनल इससे ये कट जाएगा, और कितनी टाइम ले गए भैया 6 टाइम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.6। ठीक है, चलिए अब ये वाला चलते हैं फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, 217.44/18 18 से करना है आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा संभल के करिएगा, पहली बार में हम देख रहे हैं एक बार में चला जा रहा है, क्योंकि हम पहले एक संख्या लेते हैं, अगर भाग जा रहा है तो कर देते हैं, नहीं दो संख्या लेते हैं तो दो संख्या में कर देते हैं भाई, तो दो संख्या लेते हैं एकदम होल, जैसे पूर्ण संख्या की तरह आप भाग करते हैं वैसे करिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, जब खत्म हो जाए तो दशमलव लीजिएगा, और जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए, तो 18 1 का 18 18 1 का 18 कर देते हैं, 11 में से हमारा अगर 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, इधर 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि 1 उधार लिया था। ठीक है, तो 18 दूना 36, हाँ ठीक है 18 दूना 36 आ गया, चलिए 1 बचा यहाँ पर, अब क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, अब भी नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे यहाँ पर और एक संख्या और ले लेंगे।
ठीक है, तो अब देखते हैं 18 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर लें कि हमारा पूरा 144 कट जाए। तो 9 टाइम करके देखें क्या, 9 8 72, 8 टाइम सॉरी, 8 2 64, 8 1 8 6 14, तो 144, 144 काम खत्म हुआ। कितनी बार ले गए, 8 टाइम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12.08। कितने का हुआ भैया? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, यही इसका आंसर है 217.44/18 का। ठीक है, तो आइए दूसरा करते हैं। अब चलते हैं हम पांचवे की तरफ, ठीक है, तो इन सबको करते हैं इरेज। पांचवा के पांचवा में चलते हैं, क्या लिखा है, 2.575, 2.575 भाग किससे देना है हमको, 25 से, क्योंकि कहा है 2/25। अब करते हैं, तो पहली बार तो जा नहीं रहा तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो 2 5 आ गया मेरा 25, 1 का 25 चला गया। अरे ये तो बड़ी अजीब कहानी हो गई, 25 1 का 25। अब कहेंगे सर पूरा ही खत्म है। अब क्या करते हैं भैया, एक संख्या ले लेते हैं 7। अच्छा अब भी नहीं जा रहा है तो 0 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 5, एक और ले लेते हैं, तो 25 3 75 आपका आंसर आ गया। देखिए इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, 0.103, ठीक है, आंसर ये भी सही है आपका। ओके, बस उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिए हैं, खत्म हो गई, 5 आपका आ गया। अब आते हैं 6 में, 6 आपका क्या कह रहा है आपसे, कहाँ गया, 6.08 है, 6.08 है, भाग किससे देना है हमको, 8 से, 8 से भाग करवा देते हैं। अब देखते रहे, 8 से भाग हमारा जा नहीं रहा है क्योंकि हमारी संख्या 6 है और इधर दशमलव लगा है, तो दशमलव के बाद हम दशमलव ले लेते हैं और ये हम 1 ले लेते हैं इधर संख्या, तो अब तो जाएगा 8 7 56, 8 2 64, तो 7 टाइम जा रहा है, 8 7 56 जा रहा है, ठीक है, बचा क्या मेरे पास, 4 और 8, 8 6 48, ठीक है, या 6 8 48, बात वही रहेगी, तो 8 का गुणा 6 टाइम करने पर मेरा आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं आप यहीं पर, 0.76, काम खत्म हुआ, 6 हो गया। अब क्या बचा है आपका, 7 चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा कौन कौन सा है, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। उसके बाद है 0. थोड़ा सा इधर लिख दें, 0.765, ठीक है, 0.765/9, 9 से करना है ना, हाँ, ठीक है ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, एक संख्या ले लेंगे हम 7। अच्छा एक संख्या लेने पर भी नहीं जा रहा है, फिर एक और ले लेते हैं 0 बढ़ाकर 6 कर देते हैं, 9 8 72, बच गया मेरे पास क्या भैया, 4, एक संख्या ले लेते हैं, 9 5 45, तो ये मेरा आंसर आ गया। और इसको दूसरे रूप में लिखने के लिए 0.085, बात समझ में आई, और 9 5 45 भैया करेंगे तो हाई पूरा 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 कट जाएगा, काम खत्म हुआ। अब क्या है, 8 तो अच्छा 7 हो गया, अभी 8 बचा है ना, 7 6 8/16 है, ये तो है 7, दशमलव है, दशमलव 7 6 8, अब किससे करना है, 16 से, क्लियर रखिएगा, और यहाँ पर 0 दशमलव लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग हमको इधर से देना है। अब दशमलव लगाते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, अब भी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा लेते हैं, 6 ले लेते हैं, अब 16 5 80, नहीं जा रहा है तो 16 7 ले जाते हैं,
सॉरी 16 चौका 64 हो जाएगा मेरे पास, 64 क्योंकि 16 85 ज़्यादा चला जा रहा है, तो फाइनल ये मेरा आ जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1, ठीक है। और एक और संख्या ले लेंगे इसका, क्योंकि 12 अभी बच रहा है, तो अभी तो जाएगा नहीं 12 में, ठीक है। तो हम 8 ले लेते हैं और 16 8 लेकर जाकर देखते हैं तो मेरा क्या चला जाएगा, क्या 16 8 8 6 48 के 8 हाथ में लगा, 4 8 का 8 4 12, तो 128 चला जा रहा है, कट जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका 0.048 है, ठीक है। तो ये कौन सा था, ठीक है, ये 8वां था। अब चलेंगे 9वां से, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के 9 में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम थोड़ा सा टिक मार दें, नहीं तो ना कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 6 8 बाई, हाँ ठीक, आइए 9 चलाना है ना, इन सबका तो आंसर आपको मिल गया, 9 चलाते हैं। अब कितना दिया है 9 भैया, 10.175, 10.175, यहाँ पर 0 लगा है तो 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। 22 25 से ना, तो हमको भाग देना है 25 से, चलिए 10 लगाते हैं, एक संख्या ले लिए, कुछ हो नहीं हो रहा है। अब दो संख्या लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे, अब भी कुछ नहीं हो रहा है, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, 5 ले लेते हैं, अब कुछ हो जा रहा है, ठीक है, मतलब अब तो कट जाएगा। तो 25 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए ताकि 175 आ जाए, या फिर कुछ आगे पीछे, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 125, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते 125 कहाँ से आ जाएगा, 175 आएगा। मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, लल्ला देखो, 25 70 7 5 35 के 5 3 7 2 14 और 3 17, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 0.007, यही आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा पलटा हुआ है इधर उधर का, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया इसका, 9 का भी आ गया, अब चलते हैं हम 10 में, ठीक है, इसको इरेज करें, अरे इरेज क्यों कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो तो गया था ना आंसर। 10 से चलते हैं अब इधर से, ठीक है, 10 क्या है, 10.0 अगर आपको लिखना चाहते हैं, 0.33 और 2 2, अब भाग किससे देना है आपको, 11 से। अब कुछ लोग ना बहुत खुश होंगे, अच्छा 11 दिन 22 11 33 33, जल्दी जल्दी काट के खत्म कर देंगे, ना लल्ला ऐसा कभी मत करना, वरना अच्छे से डूब जाओगे। 10 लगाएंगे, एक संख्या ले लेंगे, अब भी नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 3 लेंगे, तो 11 33 33 अब चला जा रहा है, खत्म कहानी। लेकिन अब फिर एक संख्या तो ले सकते हैं ऑटोमेटिक, हार्ट ले लिए, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, तो फिर 0, फिर एक संख्या, तो 11 दूना 22, खत्म, 22 22 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 10.0302 है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 0 बढ़ा लें, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0302, ठीक है। ये थोड़ा मार्क करना है, अब कम चलने लगा है, दूसरे मार्कर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है ये अच्छे से चले। 10 तो हो गया, 11 चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा चल रहा है अभी, तो 11 है आपका, 2.13 और 2/15, ठीक है, 2.13 2/15, इसको भाग देना है 15 से, तो भैया 10 लगाएंगे, एक संख्या इधर का ले लेंगे, 21, तो जा तो रहा है क्योंकि 2 ऑलरेडी था, 10 लगाकर 1 ले लिए, तो 15 का 15 कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, और इधर तो कट जाएगा, तो एक और ले लेते हैं, 15 चौका 60 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 3, एक संख्या और 0 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो 15 दूना 30, तो हमारे पास आंसर आ गया 10.142, और इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया इसको जानना है तो बहुत आसान है, देखिए
हाँ चेक कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, अगर 2 दशमलव इतना आ जा रहा है तो आपका आंसर वैसे भी हो जाएगा। देखिए 15 दूना 30 हो गया 0, ठीक है 3 आ गया, 15 चौका 60 और 3 63, अभी बचा 6, 15 1 का 15 और 6 कितना होता है हमारे पास 21, 21 हो गया। और कितने संख्यों अंकों के बाद दशमलव है तो ये है, तो देखते हैं 2.130 का मान तो कुछ होता नहीं, बात वही है, तो एग्जैक्ट आपका आंसर है 0.142, ठीक है, तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था, 11, 10 11, अब चलते हैं 12 पे, ठीक है 6.54 है, 6.54 है, 6.54, अब बाई करना है किससे भैया, 12 से, यानी 12 से भाग देना है, एक बार फिर चेक कर ले वरना हो सकता है, देखिए आपका क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो बात खत्म हो जाएगा, 6.54 बाई 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 12 तो जाएगा ना भैया 6 में, तो दशमलव लेते हैं, 6 5 इधर उधर जाएगा मेरे पास, तो 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 5 60 आ जा रहा है, और इधर मेरे पास बच जाएगा 5, एक संख्या ले लेते हैं 4, 12 4 48, 12 5 60, 12 4 48 चला जाएगा 48, 14 में से 8 गया 6, इधर 4 से 4 खत्म, एक जीरो ले लेते हैं, 12 5 60, कहानी इधर की खत्म, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.545, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा कहाँ तक हो गया, इसको हम थोड़ा सा टिक मार दें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, 12 तक हो गया, अब चलाएंगे हम 13 से, थोड़ा सा उसको इरेज करते हैं, ठीक है ठीक है 13 पे चलते हैं, आपका 5.52 है, 5.52 है, भाग किससे देना है हमको, 16 से, यानी 16 से, तो पहली बार तो हम जा रहे हैं जाएगा नहीं, तो ये 5 तो हमारा नॉर्मल है, 5 और ले लेते हैं, दशमलव लगा दिया है हमने, तो 16 32, 16 3 48, 16 3 48, 3 ही बार जा रहा है, 16 चौका 64 चला जाएगा, तो 48 आ जाते हैं भैया, तो 15 में से 8 गया 7, और इधर 4 खत्म क्योंकि 4 4 से गया, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 2, अब क्या है, 16 25 80 ज़्यादा चला जा रहा है, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और इधर 6 6 से 6 खत्म, एक जीरो और ले सकते हैं, 16 25 80, तो 0.348 आ रहा है, फाइनल आपका आंसर यही है, ठीक है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन ना होइएगा, देखिए आपका वही है, हाँ मल्टीप्लाई करना चाहते तो इसमें मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसे किया हूँ ये भी देख लीजिए, एक आपका 5 था, 5 ले लिए, अब तो 5 भाई जाएगा नहीं, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगाएं, एक संख्या इसका और ले लिए तो कितना आ गया 55 आ गया, तो 55 देख रहे हैं, 16 चौका 64, 16 दो 32, 16 3 48, 3 बार जाएगा 3 टाइम किए, और यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और एक संख्या ले सकते हैं 2, तो 16 चौका 64, 16 5 80 ज़्यादा चला जा रहा है, 16 चौका 64 ले लिए, अब 12 में से 4 जाएगा 8, और इधर 6 से 6 खत्म, इधर एक जीरो लेंगे, 16 5 80 खत्म, आपको भाई कितना था ये। अच्छा अब चलते हैं आपका 14 में, 13 हो गया ना, थोड़ा सा लिख लें 14x, ठीक है 1.001, अब भाग देना है इसको हमें 14 से, ठीक है, तो देखिए एक तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, ये आ गया मेरे पास 10, अब भी नहीं जा रहा है, तो एक जीरो और, एक जीरो, तो 14 14 75 कि नहीं 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 14 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 8 टाइम ले जाते हैं, 8 चौक 32, 3 8 1 8 3 11 ज़्यादा चला जा रहा है क्या, हाँ तो 7 टाइम जाएगा, 7 14 17 98 के आसपास आ जाएगा क्या, 7 चौक 28, 2 7 1 का 7 2 9, हाँ तो ये 4 टाइम आपका, सॉरी कितनी टाइम जा रहा है, 7 टाइम, तो 14 17 98 आ गया, यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास। अच्छा अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है बचेगा यही, तो यहाँ से बच गया 2, और इधर बच गया 9 9 से 9 कैंसिल, ये बचा 1, अब तो जा सकता है 1 टाइम, हाँ 1 टाइम जाएगा ना,
एक का 14 चला जाएगा मेरे पास। अब बचेगा यहाँ पर मेरे पास 11 में से 7, ठीक है 7 बच जाएगा और ये ख़त्म। तो एक संख्या ले सकते हैं, 14 5 70, 14 5 70 मल्टीप्लाई करना है तो 5T करवा लीजिए, 5 4 20, 5 1 5 2 7 70 खत्म। और इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 0.0715, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा था 14, अब चलेगा आपका 15, जो 5 का लास्ट क्वेश्चन है 0.477 है, 0.477, और इसको भाग देना है हमको 18 से, 18 से देना है ना, ठीक है। तो दशमलव लगाए, एक संख्या आ गया, अब भी नहीं जा रहा है कुछ, तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा भैया 7, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 दूना 36, 1 1, अच्छा 1 ले लिए थे, 1 और ले सकते हैं, तो कितनी बार ले जाएं कि हमारा इधर उधर कट जाए, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 5 94, 18 6 108, 18 7, तो ले जा सकते हैं हम 7 टाइम, 18 का मल्टीप्लाई 7 से करवा देते हैं, 7 8 56, 7 1 7 5 12, ज़्यादा चला जा रहा है क्या, तो 6 टाइम जाएगा आसानी से, ठीक है 6 8 48, 4 6 1 6 4 10, तो 108 आ जाएगा, 6 टाइम गया मेरा, कितना आ गया 108, और 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 9, और इधर ये ख़त्म, तो 10 लेते हैं, 18 5 90, 5 टाइम करके देखते हैं, 5 8 40, 4 5 1 5 4 9, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 0.0265, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा था भैया, 5 ख़त्म, अब बचा है हमारे पास लास्ट 6, अच्छा मैं देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है हाँ क्वेश्चन तो सभी दिखाई दे रहे हैं, लास्ट के जितने भी हैं सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है तो इसको इरेज करते हैं, आपका उतना आ गया है आंसर। चलिए हाँ नहीं तो पता चले, ऐसा ना हो बच्चे क्वेश्चन देख ही ना पाए और लास्ट पे अच्छा कहाँ से ये पढ़ा रहे हैं बिना मतलब का, तो भाई है क्वेश्चन, ठीक है अब आते हैं हम 6 में, इसका आपका फर्स्ट है, इसमें क्या कहा है भैया 16.46, अब भाग देना ही है, बाई रहे या भाग देना रहे आपको वही करना रहेगा, तो फाइनल है, अब तो भाग जाएगा नहीं 16 में, तो दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 164, 20 8 160, या 8 2 16, 20 का गुणा 8 में कर लीजिएगा, 160 आएगा आपके पास। अब ये बचा मेरे पास 4, एक संख्या और ले सकते हैं हम 6 ले लेते हैं, 20 दूना 40, क्योंकि 20 60 हो जाएगा, 40 आ गया, चलिए 6 ले लिए, अब क्या 10 ले सकते हैं, हाँ ले लिए, तो 20 60 खत्म कहानी। अब आ गया आपके पास 0.823, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बात समझ में आई कैसे हुआ, एक बार देख रहे हैं कि दो संख्या है तो 20 से जाएगा नहीं, तो दो संख्या ले लेते हैं और उसके बाद 10 लगाते हैं, एक संख्या ले लेंगे तो आ जाएगा, तो आ जा रहा है 8 टाइम जला है तो 160, और बचा इसमें से 4 और 6 ले लिए, एक संख्या ले सकते हैं आसानी से ले लिए, तो 20 3 60, सॉरी 20 2 40 खत्म, तो 40 हो गया, 6 और 10 लेंगे, 20 3 60 खत्म, ठीक है। तो ये मेरा पहला खत्म हो गया इसका, और 6 का सेकेंड, सेकेंड क्या है मेरे पास 403.8, ठीक है समझ लीजिएगा, थोड़ा सा चल गया, किससे करवाना है भैया 30 से, एक बार ले जा सकते हैं आसानी से, 30 का 30 चला गया, बचेगा 103, और 3 3 का 9 यानी 90 चला जाएगा 3 टाइम, तो 3 3 का 9 90, 3 इधर 1, अब 10 लगाकर 1 8 ले लेते हैं हम, अब कितनी बार 3 4 12 120, अब 8 और इधर 1 है, अब 10 बढ़ा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 6 18,
ठीक है, तो आपके पास आ गया 13.46, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सेकंड हो गया, अब बचा है मेरे पास थर्ड। थर्ड को यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात नहीं, आगे बढ़ा लेंगे उसको। 19.2 है और डिवाइड करना है 80 से। ठीक है, अब भैया 80 तो जाएगा नहीं, 80 ही है ना, कुछ और तो नहीं, 80 ही है, तो दशमलव लगाते हैं 1192, तो 8 2 16, 8 3 24, दो बार ले जाते हैं, 8 2 16 160 आ जाएगा, दो इधर तीन इधर एक जीरो ले लेते हैं, 8 4 32, ख़त्म, बच गया 0.24 आपका आंसर। चलिए ये भी हो गया, 19.2 था ना, हाँ ठीक है, 80 से था, अब ये ख़त्म। अब आपका बचा है 156.8 और डिवाइडेड इनटू टू, इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं आगे। ठीक है, क्या है भैया, 156.8 और डिवाइड करना है 200 से, मतलब 200 से अब भाग देना है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो दशमलव लगाएंगे क्योंकि 156 तो जाएगा नहीं, तो 15 6 8 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, 2 7 14 2 8 16, 2 7 ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पर लिखा है सर 200 और आप 2 7 14 कर रहे हैं, ये कहाँ से माजरा। तो आइए ना देखते हैं, 200 का 0 0 छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए, 7 2 14 और 00 लग जाएगा, तो ऐसे हम कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं, तो 2 7 14 हो गया, इधर 1400 हो गया, 8 इधर बच गया, 6 इधर बच गया, 1 इधर बच गया, 1 जीरो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, कितनी बार ले गए, 7 टाइम, तो 7 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 7 14 हो गया ना, 1 जीरो ले लेंगे, 2 8 16, 1600 हो जाएगा, 8 0 बचेगा, 1 0 ले सकते हैं, 2 4 8, खत्म कहानी, 2 4 8 हो गया, 2 0 लगा देंगे, बात खत्म। तो हमारे पास आ गया 0.784, ये इधर है, मल्टीप्लाई था, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए 1 दशमलव हटाए, 8 लगा दिए, तो 2 7 14 आ गया, 1400 हो गया, क्योंकि 2 0 लगा देंगे, तो 8 6 बच गया, 1 से 1 खत्म, 1 बचा, यहाँ पर 1 0 ले सकते हैं, 1680 हो गया, तो 2 8 16 100 हो गया, 0 8 और इधर ख़त्म, बचा हमारे पास 8 0, अब इसमें 1 0 लगा सकते हैं, 2 4 8, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 में 0, 4 0 में 0, 4 2 8, 800 आएगा, तो 800 से 800 कैंसिल, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम आते हैं 5 में। हाँ, उसके बाद है 12.8 और डिवाइड करना है किससे हमको, 500 से। ठीक है, कर लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक संख्या कर लिए, तो दशमलव लगा दिए, तो हमारे पास 128 आ गया, अब भी नहीं जा रहा है, आए तो 10 हमको बढ़ाना पड़ जाएगा, 10 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 5 2 10, ठीक है, 1 दशमलव लगाए, एक संख्या ले लिए, फिर उसके बाद नहीं जा रहा है, तो 10 लगा दिए, हाँ 5 2 10, मतलब 1000 ले सकते हैं ना, 0 8 और इधर 2 हो गया, 10 और ले सकते हैं, तो 5 4 20, 5 5 25 2500 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 0 0, यहाँ बच जाएगा 3, क्योंकि ये ख़त्म हो गया ना, और 10 और ले सकते हैं, तो 5 6 30, इसको मल्टीप्लाई से हमें करेंगे 30 आ जाएगा, और 2 0 बढ़ा लेते हैं, ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया 0.02256, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इन पूरे जितने भी हमने क्वेश्चन लिए थे, 18.08 डिवाइडेड इंटू 400। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आइए 18.08 और डिवाइड करना है किसको, इससे 400 से, देखते हैं भैया 2 तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो एक संख्या और ले सकते हैं, अब भी नहीं जा रहा है, तो 10 और लगा देंगे, तो 8 आ जाएगा, तो 4 4 16 1600 आ जाएगा, 8 बचेगा, 0 2 1 0 और रुक जाओ, एक संख्या और ले सकते हैं ना, तो 4 5 20,
5 20 हो गया, 2 0 8 0 आ गया। अब तो जाएगा नहीं, 1 0 ले ले, ले लीजिए। 4 2 8, 4 2 8 खत्म, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 में 0, 4 2 8 खत्म। तो ये आ जाएगा हमारा 0.00452, देन फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा? मज़ेदार लगा होगा, टिके हैं आप तक तो आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरे साथ ही हैं तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाइएगा। थैंक यू।